नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 9 साल बाद खाली किया सीएम आवास। पंजाब से आप सांसद के बंगले में हुए शिफ्ट। इससे पहले 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से दिया था इस्तीफा। सोमनाथ मंदिर के पास अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात में अधिकारियों ने बुलडोजर एक्शन पर उनके आदेश की अवमानना की है, जिम्मेदार जाएंगे जेल। गुजरात सरकार से मांगा जवाब। बिहार सहित 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। बंगाल में 50 km की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। MP में दशहरा तक नहीं होगी वर्षा। पुणे में 21 साल की लड़की से हुआ गैंग रेप। दोस्त के साथ बापदेव घाट घूमने गई थी। क्राइम ब्रांच की 10 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी। मिर्जापुर में हुआ भयानक सड़क हादसा। ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की हुई मौत। तेज रफ्तार ट्रैक्टर से उछलकर 15 फीट दूर जा गिरे लोग। कश्मीर के कई शिया बहुल्य इलाकों में शुक्रवार की नमाज के बाद हुए इजरायली विरोधी प्रदर्शन। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के भाषण खत्म होते ही लेबनान ने उत्तरी इसराइल की ओर दागे रॉकेट। वहीं बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स 808 अंक गिरकर 81,668 के स्तर पर बंद। निफ्टी भी 200 अंक गिरा। मीडिया सेक्टर सबसे ज्यादा 2.53% टूटा। ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ एक ही दिन बचा है। आपको बता दें कि प्रदेश में 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। वहीं चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दरअसल शुक्रवार शाम को पड़ोसी राज्य की सीमा पर सख्ती बढ़ा दी जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए 11 अर्धसैनिकों बलों की कंपनियां तैनात की गई हैं। बात करें फरीदाबाद की तो फरीदाबाद में 4,500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पुलिस ने 16 जगह अंतर्राज्य व अंतर जिला नाके लगाए हैं। इसके साथ ही 51 फ्लाइंग स्क्वाड टीम नियुक्त की गई है जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में दौरा करती रहेंगी। बताते चले कि शांतिपूर्ण रूप से चुनाव कराने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम सादी वर्दी में जिले में आसपास तैनात रहेगी। वहीं विधानसभा चुनाव कराने के लिए टीमों को आज चुनाव सामग्री देकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा, जो जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए टीमों को भेजा जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव का एक ही दिन बाकी बचा है तो वहीं सिरसा के डेरे के अनुयायियों का झुकाव भी कुछ सीटों पर कांग्रेस की ओर देखने को मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस को पूर्व में समर्थन करते हुए अनुयायी नजर आए। ऐसे में सिरसा, एलाहाबाद, डव्वाली और कलावली में डेरा प्रत्याशियों का समीकरण बिगड़ते हुए नजर आएगा। बता दें डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के पैरोल पर आने के बाद कयासों का दौर शुरू हो गया है। सिरसा, हिसार व फतेहाबाद क्षेत्र में डेरे की गतिविधियों ने प्रत्याशियों के बीच हलचल बढ़ा दी है। किस प्रत्याशियों को डेरा समर्थन करेगा और किस प्रत्याशियों को नकारेगा, वहीं इसको लेकर चर्चाएं जोरों पर है। सिरसा जिले में डेरा का अपना प्रभाव है। प्रत्याशियों की जीत हार में इसकी अहम भूमिका रहती है। रणनीति के तहत डेरे ने पार्टी की जगह प्रत्याशियों को समर्थन करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा का डेरा समर्थकों के बूथों से जीतना इस पर मोहर लगाता है। वहीं वीरवार को भी डेरे की गतिविधियां राजनीतिक नजर आई। सूत्रों के अनुसार डेरे के अनुयायियों का झुकाव भी कुछ सीटों पर कांग्रेस की ओर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस को पूर्व में समर्थन करते हुए कुछ लोग नजर आए। यदि ऐसा होता है तो यहाँ पर एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। बार बार पार्टी बदलने के चलते अशोक तंवर पर दल बदलू का टैग लगा दिया गया है। दरअसल अब जनता का भरोसा जीतना उनके लिए एक चुनौती से कम नहीं है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ दिया था। कांग्रेस के प्रति नाराजगी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनके खराब रिश्तों के कारण उन्होंने ऐसा किया था, जो 5 साल में 4 पार्टियां बदल चुके हैं और तो और खुद की पार्टी भारत मोर्चा भी बनाई। आपको बता दें कि वीरवार को उन्होंने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सोशल मीडिया पर सिरसा में चर्चाएं जोरों पर है कि दल बदलू नेता ने एक बार फिर से अपना दल बदल लिया है।
हालांकि इस परिवर्तन से सिरसा की राजनीतिक सियासत में हलचल जरूर शुरू हो गई है। मतदान से दो दिन पहले तवर के दल बदलने से कई सीटों पर समीकरण का गणित बिगड़ने के आसार हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा था और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें अपना भांजा मानते हुए भाजपा से सिरसा लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिलाया था। हालांकि भाजपा के पुराने नेताओं ने डॉक्टर तवर को टिकट मिलने पर नाराजगी भी जाहिर की थी। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां पुलिस उपायुक्त NIT कुलदीप सिंह के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अनुसार कार्रवाई करते हुए थाना मुजेसर की पुलिस टीम संजय गलोनी ने अवैध हथियार सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विशांत निवासी गांव विसावरी, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश का है, जो जीवन नगर गोची फरीदाबाद का रहने वाला है। आरोपी को पुलिस टीम ने गश्त के दौरान गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना से जीवन नगर पार्ट 2 कबाड़ा मार्केट से काबू किया है। आरोपी की तलाशी लेने पर देसी कट्टा व 5 जिंदा रोंद बरामद हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि आरोपी के खिलाफ थाना मुजेसर में अवैध हथियार रखने की धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। वहीं पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने किसी अनजान व्यक्ति से हवाबाजी के लिए 5,000 रुपये में यह हथियार खरीदा था, जहां आरोपी को पूछताछ के बाद अदालत में पेश करने के बाद जेल भेजा गया। जलंधर नई दिल्ली के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस 3 महीने के लिए रद्द कर दी गई है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 1.5 दर्जन गाड़ियों का संचालन रोकने की अधिसूचना जारी की है। जलंधर नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द होने से जिले के व्यापारियों को भारी परेशानी होगी। ये ट्रेन व्यापारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ट्रेन से व्यापारी दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में माल बुक करवा कर शाम को इसी से वापस घर लौटते हैं। रेलवे 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक इन गाड़ियों का संचालन नहीं करेगी। आपको ये भी बता दें कि ये गाड़ियां सर्दी में धुंध की संभावना को देखते हुए रेलवे ने रद्द की हैं। यमुनानगर जगाधरी स्टेशन से गुजरने वाली ऋषिकेश से जम्मू तवी के लिए चलने वाली एक्सप्रेस का संचालन भी 1 मार्च तक रोक दिया गया है। तो ये थी दिनभर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।